Hi, and welcome once again to our show In Our Teens, a show that brings together parents, teachers, and experts to help us understand the remarkable journey of teenage. आज के हमारे शो में कोई खास आए हैं, डॉक्टर राजेश शुक्ला और उनके साथ मिस कृतिका पवार। डॉक्टर राजेश शुक्ला बॉय स्काउट हैं, रोवर स्काउट हैं और ज्ञानम गंगा संस्था के फाउंडर हैं। ज्ञानम गंगा एक ऐसी संस्था है जो दिव्यांग टीनेजर्स के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। आइए आज उनसे बात करते हैं। डॉक्टर शुक्ला, वेलकम टू आवर शो इन आवर टीन्स। थैंक यू। आप अपने बिजी स्केड्यूल से वक्त निकाल कर हमारे लिए आए, उसके लिए थैंक यू सो मच। डॉक्टर शुक्ला, यू बीन अ बॉय स्काउट, ओके, आपने मार्केटिंग मैनेजमेंट किया है, आपने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किया है एंड यू बीन इन द एयरफोर्स। कैसे कर लिया आपने इतना सारा, जबकि आजकल के जो टीनेजर्स हैं वो एक एक सब्जेक्ट में अटक जाते हैं कहीं ना कहीं। हाउ डिड यू मैनेज टू डू एवरीथिंग एज अ टीनेजर? आई मीन यू जॉइन द एयरफोर्स व्हेन यू वर 17। यस, प्लीज़ उसके बारे में हमें थोड़ा बताएं। मुझे ऐसा लगता है मानसी जी कि मुझे ईश्वर ने बहुत शक्ति दी, क्योंकि मैं कैसे परिवार में पैदा हुआ जहाँ मेरे पिताजी 1929 के मेट्रिकुलेट, उन दोनों में मैट्रिक करना बहुत बड़ी बात थी, इंदौर महाराजा की फुटबॉल टीम के कैप्टन थे, और मेरी माता जी ने शायद फोर्थ क्लास पास की थी और रामायण की बहुत अनन्य भक्त थी वो। अच्छा। तो ऐसे माहौल में मैं बड़ा हुआ, तो मुझे एक बहुत अच्छा माहौल मिला। और 7 ईयर्स की एज में कब स्काउट बोलते हैं, स्काउट का जो पहला होता है कब स्काउट, और लड़कियों को बोलते हैं बुलबुल। अच्छा। तो वहाँ से मैंने अपना जीवन शुरू किया, और मुझे ऐसा लगता है शायद स्काउट की ट्रेनिंग और मेरे पेरेंट्स का एक अच्छा आशीर्वाद मुझे जीवन के सारे पॉजिटिव साइड में लेके गया। तो 17 ईयर्स की एज में जब मैंने एयरफोर्स ज्वाइन किया, तो वहाँ जाके मुझे एक नई लाइफ मिली। स्काउट तो डिसिप्लिन था, लेकिन स्काउट के साथ में सोशल एक्टिविटी थी कि लोगों के लिए कुछ करना है, लेकिन एयरफोर्स में जाके ऐसा लगा कि देश के लिए कुछ करना है। और वो एक ट्रेनिंग इतनी बढ़िया थी कि आई एम रियली लकी कि मुझे स्काउटिंग और एयरफोर्स की ट्रेनिंग मिली, सोशल एक्टिविटी और उसके बाद देश के बारे में सब कुछ। तो 10 साल मैंने एयरफोर्स में काम किया, तो हम बैचलर थे, खाने पीने के लिए मेस था, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन टाइम बहुत होता था, तो मुझे ऐसा लगा कि पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि एयरफोर्स जब ज्वाइन किया तो मैं हायर सेकेंडरी करके आया था, तो मुझे लगा कि पढ़ाई के बिना लाइफ में कुछ होगा नहीं। करेक्ट। और मेरी बड़ी बहन बॉटनी की प्रोफेसर थी, MSc MPhil किया था, वो मुझे बहुत जोश दिलाती थी कि नहीं पढ़ाई करो, तो अभी मेरे पास टाइम था, तो मैंने बाकी और सब चीज़ों को छोड़ के पढ़ाई की। तो BCom मैंने किया, फिर मैंने MCom किया फर्स्ट क्लास, फिर उसके बाद मुझे दिल्ली आने का मौका मिला, तो मैंने भारतीय विद्या भवन, एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है, वहाँ से मार्केटिंग मैनेजमेंट किया, इवनिंग क्लास अटेंड की, और साथ ही साथ भी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से करस्पॉन्डेंस कोर्स में मैंने मटेरियल्स मैनेजमेंट भी की, वो 2 साल का था, वो भी हो गया। फिर उसके बाद मैं बम्बई आया, तो मुझे मौका मिल गया टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, जो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन वर्ल्ड उसका नाम है, बहुत बढ़िया। वहाँ से मैंने पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन का 2 साल का, वो भी इवनिंग क्लासेस थी, वो मैंने पूरा किया। और उस भारत पेट्रोलियम में आया, भारत पेट्रोलियम के मैनेजमेंट टीम में मुझे मौका मिला, तो भारत पेट्रोलियम एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल उनका CSR है, लेकिन CSR से भी आगे बढ़ के काफ़ी कुछ काम करते हैं। और मुझे स्काउट में ऐसा था कि हम स्कार्फ की नाट तब तक नहीं खोल सकते थे जब तक हम कोई अच्छा काम नहीं करें, तो कोई अच्छा काम करना है, तो भारत पेट्रोलियम में आके एक अच्छा मौका मिला। मैं एक ब्लाइंड लड़की थी, हीरामणि वाधवा, उसको बल्कि मैं अपना गुरु मानता हूँ। अच्छा। मैं बोलूँगा हीरामणि वाधवा, क्योंकि इस प्रोग्राम को देखे उसने निर्मला निकेतन कॉलेज से मास्टर ऑफ सोशल वर्क किया और LLM कर रही थी, तो उसके साथ मैंने उसका एज ए रीडर बना, और उसकी रीडिंग करते समय मुझे लगा कि ये फील्ड बहुत अच्छी है और उसमें मुझे काम करना चाहिए। तो हीरामणि वाधवा ने मुझे इस फील्ड में काफ़ी आगे लेके गए, तो हमने एक प्रोजेक्ट किया था वॉक टू विन, पूना से बम्बई तक हम ब्लाइंड लोगों के साथ में पैदल आए थे। अच्छा। और मैं आपको थोड़ा सा ये बोलना चाहूँगा कि अब हम ब्लाइंड या और कुछ नहीं बोलेंगे, हम दिव्यांग शब्द यूज़ करेंगे, क्योंकि दिव्यांग बड़ा पॉजिटिव वर्ड होता है। यस। तो दिव्यांग के लिए वो एक प्रोजेक्ट था, उनको कॉन्फिडेंस दिलाना और दुनिया को ये बताना कि दिव्यांग किसी से कम नहीं, उनको ना तो आप सहानुभूति दिखाओ ना दया दिखाओ, उनको इक्वल
अपॉर्चुनिटी दो. उसके बाद हमको उस प्रोग्राम से इतना जोश आया कि हमने इनिशिएटिव लिया और 1999 के अंदर हमने मनमाड़ से मुंबई तक दौड़ लगाई, रन टू विन. ये वॉक टू विन, रन टू विन. और तब हमारे मन में आया कि हम साइकिल चलाएंगे ब्लाइंड लोगों के साथ में. तो इसी के साथ साथ मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक मौका दिया, उनका एक न्यूज़पेपर वो लोग स्कूल के बच्चों को देते हैं, तो उसमें NIE न्यूज़पेपर इन एजुकेशन, तो उसमें उन्होंने, मैं उनमें गया एज ए फ्रीलांस कंसल्टेंट. तो टीनेजर्स के लिए हमें कुछ प्रोग्राम करने होते थे कि उनको लीडरशिप क्वालिटी, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उनका डिसिप्लिन. तो मुझे बहुत फ़ायदा मिला ये करके, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस था स्काउटिंग का, इंडियन एयरफोर्स का, और मेरा सेल्फ डेवलपमेंट ऐसा हुआ था कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसिप्लिन मेरे अंदर कूट कूट के भरा है, ऐसा मुझे लगता है. लीडरशिप क्वालिटीज और कम्युनिकेशन तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि आई एम एन एविड रीडर, मैं बहुत पढ़ता हूँ, अभी भी पढ़ता हूँ और पढ़ता रहूँ. तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा था. तो उन बच्चों को मैंने ये बताया कि लाइफ खाली वो, और इलीट स्कूल में वो बच्चे जाते थे, DPS, रेयान इंटरनेशनल, पोदार इंटरनेशनल, इस टाइप के स्कूल्स में मैं जाता था. तो उन बच्चों को बोलता था ये पढ़ाई बहुत अच्छी, लेकिन इसके साथ जब तक आपकी लीडरशिप क्वालिटी नहीं बढ़ेगी, और लीडरशिप क्वालिटी के लिए बहुत ज़रूरी है डिसिप्लिन एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू शुड लुक बियॉन्ड योरसेल्फ, आप दूसरों के लिए भी कुछ सोचो. फिर स्कूल के अंदर ये जब प्रोग्राम कर रहा था, तो टाइम्स ऑफ इंडिया के जो कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने कहा यार आप तो पेरेंट्स के लिए भी करो. तो पेरेंट्स के लिए भी किया. फिर मैंने कहा कि नहीं, एक ट्रायंगल बनता है, स्टूडेंट, पेरेंट्स, टीचर. यस. तो तीनों के लिए हमने प्रोग्राम किए. और टीनेजर्स के लिए ये करते करते फिर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि टीन एज एक ऐसी एज होती है कि, और उस एज में बच्चा अच्छा बन गया तो उसकी लाइफ बहुत ही थी, फाउंडेशन ईयर्स होते हैं. हाँ, फाउंडेशन ईयर्स होते हैं, क्योंकि बाद में 18-19 के बाद में बहुत डिफ़िकल्ट होता है उसको ये सारी चीज़ों को समझना. तो हमने शुरू से बच्चों के अंदर ये बताया कि भाई आपको लाइब्रेरी जाना है, आपको पढ़ना है, बुक्स पढ़ना है, क्योंकि बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड. और उसके बाद आपको चार चीज़ों का ध्यान रखना है. नंबर वन, आपकी बॉडी को अच्छा रखना है, मतलब रेगुलर आप कुछ भी एक्सरसाइज करो, अगर आप दौड़ लगाते हो, स्विमिंग करते हो, या अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हो, कुछ भी करते हो, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट आधे घंटे अपने घर में आप स्किपिंग करो. यस, सम फिजिकल एक्टिविटी. क्योंकि उससे आपकी बॉडी अच्छी होगी, जब बॉडी अच्छी होगी तो आपका माइंड अच्छा होगा. और माइंड अच्छा करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि बॉडी अच्छी होगी तो बहुत बढ़िया, लेकिन माइंड अच्छा होना वो भी बहुत जरूरी. तो सेकेंड डायमेंशन ऑफ योर पर्सनैलिटी इज योर ब्रेन और माइंड. तो माइंड के लिए आप किताबें पढ़ो, अच्छे लोगों के बीच में बैठो, अच्छी चीज़ें सुनो, तो सेकंड पार्ट हो गया. थर्ड पार्ट, आपकी बॉडी भी अच्छी हो गई, आपका माइंड भी अच्छा हो गया, लेकिन आपका हार्ट भी अच्छा हो गया. अब दूसरों के लिए क्या करें, सेंसिटिविटी टूवर्ड्स अदर्स. और फिर मैंने उनको बताया कि दिव्यांग के बारे में हम कुछ करें. तो बहुत सारे लोग जो मेरी क्लासेस में आते थे, उन्होंने ये जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, इनके लिए पढ़ना शुरू किया, दे बिकम एज ए रीडर्स. वो भी अच्छा हो गया, अब बॉडी अच्छी हो गई, माइंड अच्छा हो गया, आपका हार्ट अच्छा हो गया. फोर्थ चीज होती है कि यू हैव टू हैव फेथ इन सम, इसको बोलते हैं ना ऊपर वाला, ऑलमाइटी, चाहे वो अल्लाह मियाँ हो, चाहे भगवान हो, चाहे गॉड हो, सबके अंदर हमें विश्वास रखना. विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है. तो चारों चीज़ें जब आप डेवलप करते हो तो आप एक अच्छे आदमी बनते हैं, एक अच्छे इंसान बनते हैं. क्योंकि हम बिजनेस में बन जाए, हम अच्छे अपनी प्रोफेशनल फील्ड में बन जाए, लेकिन सबसे दुनिया की बड़ी बात है कि हम अच्छे इंसान बने. क्योंकि आज मैं सीनियर सिटीज़न हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में इंडियन एयरफोर्स, फिर उसके बाद मैं भारत पेट्रोलियम मैनेजमेंट टीम में रखा, इवन अभी भी मैं कुछ कॉलेज के अंदर मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, क्योंकि एट द एज ऑफ 65 मैंने PhD किया. ओह सर, दिस इज सच सो इंस्पिरेशनल. मुझे ऐसा लगा कि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ जो ज़िंदगी में हमेशा हमारे साथ रहती है. जब मैंने ये कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया तो मुझे लगा PhD करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि अच्छे कॉलेज के अंदर मैंने SPGN में पढ़ाया, वेलिंगकर में पढ़ाया, और अभी MIT यूनिवर्सिटी में भी मैं जा रहा हूँ. तो मुझे ऐसा लगा कि PhD जरूरी, तो मैंने PhD किया. और PhD का सब्जेक्ट ही मेरा था ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ओके. आप ट्रेनिंग के अंदर क्रिएटिविटी को कैसे अप्लाई करें ताकि ट्रेनिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाए, लोगों को मज़ा आए. क्योंकि BPCL में मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किए, लेकिन क्या होता था कि रूटीन टाइप का, वो हमारे जो ट्रेनर है वो बोल रहे हैं, हमें कुछ बोलने का मौका नहीं मिल रहा. तो मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ रखी जिसमें पार्टिसिपेंट को मैं इन्वॉल्व कर सकूँ.
जब एयरफोर्स में था तो वहाँ एक सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की एग्ज़ाम होती, 5 दिन रखते और वो आपकी क्वालिफिकेशन देख ली लेकिन वो टेस्ट नहीं करते, बोलते यूनिवर्सिटी ने डिग्री दी तो आप तो समझदार हैं लेकिन हम आपका माइंडसेट, क्योंकि आर्मी के लिए एक स्पेशल माइंडसेट होता, तो 5 दिन आपको डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ करते हैं, उससे आपके बारे में उनको पता लगता है कि आप पॉजिटिव सोचते हैं, आप प्रोएक्टिव हैं, आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ है या नहीं है। वो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में इन्वॉल्व किया। तो ये जब मैंने टीनेजर्स के लिए कर रहा था तो मुझे मौका मिला, बीपी स्केल के अंदर आर्मी के लोग आते थे, उनको हम ट्रेन करते थे कि भाई अगर इमरजेंसी आई तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट को आर्मी हैंडल करेगी। तो वहाँ मुझे पहले उन्होंने 2 घंटे का बोला कि इनको मोटिवेट करो, लेकिन बाद में पूरा दिन। और वो प्रोग्राम इंडियन ऑयल भी करता है और हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी करता, तीनों ऑयल कंपनीज। तो बाद में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने मुझे बुलाया, फिर इंडियन ऑयल ने मुझे बुलाया, तो मैंने तीनों कंपनीज में इंडियन आर्मी के लिए ये प्रोग्राम करना शुरू किया। और मेरे प्रोग्राम का नाम था स्वानुसंधान। स्वानुसंधान यानी अपने आप को जानो, हम क्या हैं। बहुत कम लोगों को मालूम होता है कि ऊपर वाले ने हमको इतनी शक्तियाँ दी हैं लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते। तो मेरे इस कार्यक्रम के अंदर मैंने यही बताया लोगों को कि यू आर ट्रू कॉपी ऑफ गॉड, आप ईश्वर की प्रतिलिपि हैं, आप अपनी शक्तियों को पहचानो। और यही चारों चीज़ें, फिजिकल, मेंटल और आपका इमोशनल और स्पिरिचुअल, इन चारों चीज़ों को आप डेवलप करो तो लाइफ में आप बहुत अच्छी प्रोग्रेस करोगे। और प्रोग्रेस करोगे और आपको अपने अंदर से खुशी आएगी कि हाँ यार मैं अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जी रहा हूँ। डॉक्टर, आपने ये जो ट्राइंगल की बात की, पेरेंट्स, टीचर्स एंड टीनेजर्स, ठीक है, अब ये चार जो आपने चीज़ें बताई, इसके लिए पेरेंट्स और टीचर्स का कितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए इन दीज फाउंडेशन ईयर्स ऑफ टीनेजर्स? मुझे तो लगता है कि टीचर्स एंड पेरेंट्स आर रोल मॉडल्स। देखिए, हम अपने बच्चों को बोलें कि आप अच्छा काम करो, आप झूठ नहीं बोलें, आप मेहनत करो, डिसिप्लिन में रहें, लेकिन अगर हम खुद उनको करके दिखाएं, मेरे बच्चे अभी बहुत अच्छे हैं, मेरा बेटा इंजीनियर है, MBA किया है, बेटी भी MBA है, मैंने उनको कभी नहीं कहा कि तुम्हें कुछ करना है। जैसे आई एम एन एविड रीडर, हमारे घर में कुछ हो ना हो लेकिन किताबों की बहुत बहुत किताबें आपको मेरे घर में मिली, क्योंकि मेरी वाइफ को पढ़ने का शौक़ है, मेरे दोनों बच्चों को पढ़ने का शौक़ है। क्योंकि एज ए पेरेंट्स हमने अपने आप को, हमें देखते थे कि हम हमेशा TV या इन चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, हम पढ़ रहे हैं, उनको भी पढ़ने का शौक़ हो गया, अब दोनों भी बहुत पढ़ते हैं। और पेरेंट्स को रोल मॉडल बनना चाहिए। अगर हम घर में एक ऐसा वातावरण बना दें अपने बच्चों के लिए कि उनको लगे कि नहीं, हमारे घर में झगड़े होते हैं लेकिन झगड़े अच्छी चीज़ के लिए होते हैं, और हम एक दूसरे के बारे में स्नेह रखते हैं, प्यार करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, और हम हमारे घर में जो ऑर्डिनरी हमारे सर्वेंट या मेड सर्वेंट आती, उनको भी, मेरे बच्चे हमेशा उनको दीदी बोलते हैं, उनको नाम लेके नहीं बोलते, क्योंकि हमने वैसा उनको माहौल दिया, कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन पेरेंट्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती कि एज ए रोल मॉडल अपने बच्चों को एक अच्छे संस्कार दें, उनको अच्छा बनाएं, क्योंकि बच्चे ही हमारे देश का भविष्य है। करेक्ट, ये पेरेंट्स का हो गया। अब पेरेंट्स के बाद बच्चा स्कूल में आता है, तो स्कूल में टीचर्स को भी रोल मॉडल होना चाहिए। वो बोलते हैं बच्चों को कि आप टाइम पे आओ, उनको खुद 5 मिनट पहले आना चाहिए, क्योंकि मैं एज ए प्रोफेसर, मेरी क्लास अगर 9 बजे शुरू होती तो मैं 8:45 पे वहाँ जाके अपनी सारी सेटिंग कर लेता हूँ, मुझे सब मालूम रहता है मुझे क्या करना है, तो 15 मिनट पहले जाता हूँ क्योंकि टाइम मेरे हाथ में। मैं ऑडियंस को बोलना चाहूँगी कि आज शूट पे सर भी टाइम से पहले आकर बैठे थे और फिर हमारी बहुत भागदौड़ हो गई थी, क्योंकि सर एकदम वेल प्रिपेयर्ड आकर हमारे सामने चेयर में बैठ गए थे कि बस मैं रेडी हूँ, अब आप लोग देख लो अपना। बिल्कुल, थैंक यू। देखिए, ये जो मैंने कैप अभी लगा रखा है ये स्काउट का है, तो ये 7 साल में, 14 साल में और 18 साल में भी मैं इंडियन एयरफोर्स में भी एज ए रोअर स्काउट रहा, लेकिन अभी मैं फॉर्मर स्काउट हूँ, फेलोशिप मेंबर्स। एक इंटरनेशनल ग्रुप है जो स्काउट के 25 ईयर्स के बाद स्काउट रहता नहीं है, उसको कोई मौका नहीं है, तो बोलते हैं कि आप किसी भी एज में फेलो बन सकते हो। करेक्ट, तो आई एम ए फेलो ऑफ स्काउट, और मुझे कैप लगा के बहुत खुशी होती है और मुझे एक प्राइड फील होता है कि हाँ यार मैं एक स्पेशल आदमी हूँ क्योंकि स्काउट का हूँ, मुझे स्पेशल लगता है। तो टीचर्स को फिर मैंने कहा कि आप रोल मॉडल बनो, आप वो करो जो आप अपने बच्चों से एक्सपेक्ट कर सकते। और मैं थोड़ा सा बोलूँगा, जैसे मेरी बड़ी बहन, वो MSc थी बॉटनी की, वो प्रोफेसर थी, तो उन्होंने मेरे जीवन में बहुत असर डाला। उनके लेटर्स हमेशा मेरे पास आते थे जब मैं एयरफोर्स में था,
17 ईयर्स की एज में एयरफोर्स में बढ़िया खाना, बढ़िया पैसा मिल रहा है, सैटरडे संडे हम छुट्टी मना रहे हैं, तो हम कुछ भी कर सकते थे। लेकिन मेरी सिस्टर का ये कहना था कि हम तुझे ऐसा देखना चाहते, तू वैसा बनेगा, तू ऐसा उठेगा, तेरा तेरी पर्सनालिटी ऐसी होगी, तेरा भव्य व्यक्तित्व, एवरी लेटर हर सप्ताह, क्योंकि उन दिनों में ये मोबाइल वगैरह नहीं थे, खाली चिट्ठियाँ आती थी, तो तब मुझे ऐसा लगता था, हाँ मुझे, क्योंकि वो मेरे सामने उन्होंने एक बेंच मार्क बना दिया था। तो ये जो ला ऑफ एक्सपेक्टेशन, हम अपने बच्चों से क्या उम्मीद करते हैं, हमें उनको बोलते रहना चाहिए कि तू ऐसा बनेगा और तेरे को वैसा बनना है, और फिर वो बच्चा वैसा बनता है, तो वैसा बना। तो मैं पेरेंट्स को यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों से उम्मीद करो, उनको बताओ उनसे आप क्या चाहते हैं, और पॉजिटिव एक अफर्मेशन उनको दो कि मुझे शक्तिशाली बनना है दिमाग से, दिल से, हम दूसरों के लिए भी अपने उसको करें। तो पेरेंट्स अगर ऐसा बोलेंगे, टीचर्स को क्लास में अपने बच्चों को ही बोलना चाहिए कि आप सब बहुत अच्छे बच्चे हो, आप ऐसा कर सकते हो और आप करोगे, उनको निगेटिविटी में नहीं लेके जाना है, उनको आप उनको कुछ डांट सकते हैं लेकिन उनको ये मत बोले कि तुम कुछ नहीं कर सकते। सब आज जब आप देखते हैं टीनेजर्स, आप भी खुद एक टीनेजर रह चुके हैं, आपने बताया कि आपने किस तरह से हर चीज़ को पॉजिटिवली लिया, आपने अपने सिस्टर के लेटर को इस हिसाब से नहीं लिया कि मुझ पर प्रेशर डाल रही हैं वो, बिल्कुल आपने उसे पॉजिटिवली लिया कि मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रही है, मतलब मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन आज के टीनेजर स्टडीज को लेकर काफ़ी प्रेशराइज रहते हैं, या करियर को लेकर प्रेशराइज रहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको सच में लगता है कि आज उन पर ज़्यादा प्रेशर है? देखिए, प्रेशर तो पहले भी था और अभी भी है, ऐसी बात नहीं है कि पहले प्रेशर नहीं था। पहले प्रेशर क्योंकि पहले इतनी फैसिलिटीज़ हमारे पास में नहीं होती थी, स्कूल कॉलेज बहुत दूर होते थे, और उस समय एक मेडिकल कॉलेज, एक इंजीनियरिंग कॉलेज होता था। अभी देखिए गली गली में इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हो गए, तो प्रेशर तब भी था, बट एक ही बात थी कि पहले पेरेंट्स एक अच्छे तरीके से अपने बच्चों को रोल मॉडल बन के सिखाते थे। अभी क्या हो गया कि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, फिर वो पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को बहुत सारी दूसरी एक फैसिलिटीज दे के समझते, कंपनसेट कर दिया, बच्चा अपने आप आगे बढ़ेगा, तो वो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और दूसरा, पेरेंट्स इतना टाइम नहीं दे रहे बच्चों के लिए, तो एक क्वालिटी टाइम होना चाहिए। मैंने सुना है बिड़ला फैमिली ऐसी टाइप की कुछ फैमिलीज़ के बारे में कि उनका खाने का फिक्स टाइम होता है, वहाँ पे फिर ये मोबाइल वगैरह सब अलग रख दिए जाते हैं, और फिर वो खाने के समय कुछ बातें उनका ऐसा होता है दिन भर की दिनचर्या के बारे में, और उसमें हर बच्चा हर बड़ा अपनी अपनी शेयर करता है। तो ये जो परिवार है ये भी तो आज के ज़माने में है, तो ऐसा कुछ हम लोग कर सकते हैं। और बच्चों को ज़रूर ये सोचना चाहिए, अगर वो पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा कि जो सक्सेसफुल लोग हैं उनका जीवन क्या है। क्योंकि मैंने बैडन पावल के बारे में पढ़ा, मैंने बिड़ला जी के बारे में पढ़ा, टाटा के बारे में पढ़ा, तो मुझे ऐसा लगता था कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी को कितने संघर्ष के बाद बनाया, तो वो संघर्ष जरूर, क्योंकि लाइफ का मतलब ही है कि स्ट्रगल, बिना स्ट्रगल लाइफ होती नहीं। तो जब आप स्ट्रगल करते हो और आपको एक सही राह आपके पेरेंट्स ने, आपके टीचर्स ने बताई, और आपने गोल सेट कर लिया, और आपको मालूम है कि आपको बनाना है और आपको ऐसा बनना है, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि कुछ तकलीफ होती, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं डिज़ायर। यस, हमारे अंदर एक बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए कि मुझे करना है और किसी भी हालत में करना है। 24 आवर्स के अंदर अगर मुझे 8 घंटा सोना है, अगर मैं 5 भी घंटे भी सोया तो भी काफ़ी, लेकिन मुझे स्ट्रगल करना है। क्योंकि एयरफोर्स में हमें कई बार ऐसी ट्रेनिंग होती थी कि हमें एक एक वीक तक ना सोने का ना खाने का कुछ नहीं, लेकिन एक जोश होता था कि यार हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं और हमें ये काम आएगा, तो हमें महसूस नहीं होता था कि यार खाना नहीं खाया, नहाए नहीं है, हम लोग नदी नालों का हमने पानी पिया, और एक कपड़ा जो हमारे पास कितने दिन तक हमने पहना, अभी भी वो ड्रेस मैंने संभाल के रखी है, मुझे वो जोश दिलाती। तो बच्चों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए टीनेजर्स को कि लाइफ में कोई तकलीफ है, कोई प्रेशर नहीं, हम इतने स्ट्रांग बने फिजिकली कि प्रेशर हमारे लिए कुछ नहीं, इतने मेंटली स्ट्रांग बने कि हमें लगे कि ये तो छोटा सा एक स्ट्रगल है। और फेथ, जब हम फेथ करते हैं तो हमारे सामने कोई प्रेशर नहीं हो पाता। डॉक्टर, आपने यू बीन अ बॉय स्काउट, जैसे गर्ल गाइड होता है, मैं कॉन्वेंट में थी तो गर्ल गाइड हमारे करिकुलम का एक हिस्सा था। आजकल के स्कूल के करिकुलम से ये चीज़ें हट रही हैं, आपके आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें हटने की वजह से यू नो देश की तरफ जो पेट्रियोटिक फील होता है हमारा, क्या वो कम होता जा रहा है हमारे टीनेजर्स में, क्या हम उन्हें उस राह पर नहीं लेकर जा रहे हैं?
मे बी इंट्रोड्यूस भी नहीं कर रहे शायद। मुझे भी ऐसा लगता है कि स्काउटिंग एक ऐसी एक्टिविटी है, इसमें आपका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल तो डेवलप होता ही है, लेकिन साथ ही साथ आप सोसाइटी के लिए कुछ करने की भावना लाते हैं। तो स्काउटिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी। फिर एक मेरे ज़माने में NSS होता था, नेशनल सर्विस स्कीम, उसके अंदर भी हम सोशल एक्टिविटी करते थे। NCC भी होता था, मैंने एयरविंग NCC भी 3 साल तक किया, लेकिन आजकल मैं कॉलेजेस में देखता हूँ, स्कूल्स में देखता हूँ, सारी एक्टिविटी नहीं रही। अभी पढ़ाई पे इतना जोर दे रहे हैं। अरे पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई के साथ अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं होगी तो बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होगा, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा कि लड़कियों को स्काउट के अंदर बुलबुल बोलते हैं, गर्ल्स गाइड बोलते हैं, और उसके बाद फिर वो रेंजर होती है, जैसे स्काउट के अंदर रोवर होता है, लड़कियाँ रेंजर बन जाती है। और यूरोप में तो इसका बहुत प्रचलन है। मैं ऑलमोस्ट ऑल UK के अंदर 5 बार इंटरनेशनल जंबूरीज होती हूँ, हर 4 साल में एक बार। मैंने 5 जंबूरी वहाँ पे अटेंड की है, और वो जंबूरीज में 10,000-20,000 बच्चे आते हैं अलग अलग कंट्रीज से, उनका स्कार्फ, कैप और यूनिफॉर्म, इतना बढ़िया एटमॉस्फेयर होता है। तो मुझे इंडिया का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम होता है, क्योंकि स्काउट नहीं है अभी स्कूल कॉलेज के अंदर, फिर NCC नहीं है। तो मैं जो हमारी गवर्नमेंट या जो भी इस चीज़ के अंदर, मैं उनको बोलना चाहूँगा कि स्काउट NCC को कंपलसरी किया जाए। करेक्ट, क्योंकि उससे कैरेक्टर बनता है और कम्युनिटी सर्विस की भावना, कम्युनिटी के सर्विस, क्योंकि कम्युनिटी सर्विस व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज हम अपने लिए नहीं जी, हम अपने लिए क्यों जी? करेक्ट, इट इज़ लिव फॉर अदर्स ऑल्सो, हम सब के लिए जिए। तो देखिए, मैंने एक संस्था बनाई, मतलब मुझे इतना शौक था यह सब करने का, साइकिल चलाई, वॉक किया, रन किया, तो मैंने दिव्यांगों के लिए ग्रुप बनाया, और मुझे गर्व है कि बहुत अच्छा चल रहा है वो ग्रुप, और उसमें आप फाउंडर हैं उसके। हाँ, आप काफ़ी मदद भी हमारी टाइम टाइम पे उसमें करती हैं, ज्ञानम गंगा चैरिटेबल ट्रस्ट। तो उसके माध्यम से हमने अभी 2017 में साइकिल चलाई थी दिल्ली से मुंबई तक, और वो साइकिलिंग नेत्रहीनों के साथ, अभी आप देखेंगी कि मेरे साथ में एक मेरी स्टूडेंट है कृतिका बैठी है वहाँ पे, वो आपके बताएगी, उसने भी साइकिल चलाई, और वो साइकिल हमने 1780 किलोमीटर चलाई, मतलब हम गांव-गांव में जाके हमने जो दिव्यांग थे उनको जोश में लाया कि देखो कृतिका साइकिल चला रही है। और मेरे साथ कुछ ऐसे लोग थे जो दिव्यांग थे लेकिन MBA थे और कंपनीज के अंदर अच्छी पोस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, एक डिप्टी मैनेजर था भारत पेट्रोलियम के अंदर, वो टोटली देख नहीं सकता था, अशोक जंगम, लेकिन वो उसमें मैनेजर बना। तो ऐसे लोग हमारे साथ में थे, वो रोल मॉडल का काम कर रहे थे, और लोगों को हमने बताया कि इनको कम मत समझो, और हमने लोगों के अंदर सेंसिटिविटी जागृत करने के लिए उनको जो ये झेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर आँख पे पट्टी बांध के बोला कि आप सड़क पे चल के बताओ। तब उन्होंने कहा, सर हमें पहली बार महसूस हुआ कि हम झेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं तो पैदल चलने वालों को कितनी तकलीफ होती है, अब हम झेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर कभी गाड़ी पार्क नहीं करेंगे। तो हमें लगता है कि हमारे ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि हमने ऐसा लोगों को, तो कृतिका की माता जी बोली कि 15 दिन के लिए मेरी बेटी कैसे बाहर अकेली रहेगी, मैंने बोला आप भी आओ, बोली मैं आऊँगी साथ में, मैंने बोला आप आओ, लेकिन आपको भी साइकिल चलानी पड़ेगी, क्योंकि जो भी लोग आ रहे हैं सब साइकिल चलाएंगे। और कृतिका की मम्मी ने 6 महीने में साइकिल चलाना सीखी, और उसके फादर ने भी हमारे साथ सपोर्ट किया, वो तीनों और उनका एक छोटा बेटा भी था, वो चारों हमारे साथ पूरे 15 दिन तक साथ में रहे। तो वो और एक, आपका ये फीट इज रिकॉर्डेड इन लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू वेरी मच। लिम्का बुक में इसको उन्होंने रिकॉर्ड किया कि भाई पहली बार नेत्रहीनों ने या ब्लाइंड लोगों ने ऐसी साइकिलिंग की है, तो ये हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है। पर मुझे फिर वही बात याद आती है कि एज ए टीनेजर मैंने सीखा, मैं खुद टीनेजर में मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत कुछ करना है, तो ये मैंने नहीं सोचा था कि मुझे कहीं नाम करना है, ऐसा कुछ करना है, लेकिन मुझे बहुत सारे अवार्ड लोगों ने दिए। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा एक ऐसा अवार्ड जो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड है, और वो एक टीनेजर लड़की से मुझे मिला है, और वो टीनेजर लड़की थी सतारा की सुनीता महस्के, श्रद्धानंद महिला आश्रम है माटुंगा बम्बई के अंदर, वहाँ पे अनाथ बच्चों को पढ़ाते हैं। तो मुझे एक NGO ने बोला कि इन बच्चों के लिए आप लीडरशिप प्रोग्राम करो, तो मैंने उनके लिए एक प्रोग्राम किया, और यूजली पूरे दिन का था वो प्रोग्राम, बढ़िया हुआ। अब वो सुनीता करके जो 17-18 साल की लड़की थी, उसको हिंदी नहीं आती, पर
पर हमने कोशिश की और उसको उसके चेहरे से मुझे लग रहा था कि उसको अच्छा लग रहा है और समझ रही है, लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी और बहुत शाय थी। तो मैंने उसको बोला, बेटा तुम्हारी क्या, तुम क्या बनना चाहते हो? उस लड़की ने कहा, बड़ी मुश्किल से धीरे से कहा कि मुझे कविता लिखना अच्छा लगता है। मैंने कहा, तुम बेटा एक दिन बहुत अच्छे कवि बनोगे। और वो प्रोग्राम हो गया। 3-4 महीने के बाद जिस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मैंने प्रोग्राम किया था, प्रोजेक्ट मेन स्ट्रीम NGO बॉम्बे का, उन्होंने मुझे थैंक्स लेटर भेजा और साथ में एक लेटर लगाया। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो लेटर में लेके आया हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का सबसे शानदार, शायद राष्ट्रपति भी अगर मुझे वो अवार्ड दे तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगे जितना उस लड़की का, क्योंकि उसके दिल से, क्या मैं आपको बताऊँ लेटर? प्लीज़ 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 सर, आप बिल्कुल पढ़ते सुने। देखिए, लेटर उसने एक बहुत अपनी कापी में से एक पन्ना फाड़ा और उसको हिंदी नहीं आती है, और वो लिखती है, आदरणीय शुक्ला जी, मैं थी अपनी राहों से अनजान, तुम जैसे गुरु ने दिखा दिए मेरे आत्मकांक्षा के मार्ग, मैं आपसे प्रेरित हूँ, इसलिए ये छोटा सा पत्र लिखती हूँ, और मेरा तुम सबसे बड़ा आदर्श है। मैं तुमसे उम्मीद रखती हूँ कि आप सदा ऐसे जन जन के बच्चों में विश्वास जागृत करें, जब जब युग में आए अंधेरा तब तब ये दीप तुम जलाना, कोटि कोटि दीप ज्योति जो सारे जग में लाए एक नई सुबह। मुझे हिंदी नहीं आती पर प्रयत्न करते। अब देखिए, कहीं ये मुझे तुम लिख रही है, कहीं आप लिख रही, क्योंकि मराठी में आप शब्द नहीं है शायद, और हिंदी में तुम यानी थोड़ा छोटा होता है। अब उस लड़की को मालूम है कि मुझे इनको आप बोलना है। तो ये लेटर ने मुझे ऐसा लगा कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई, और मैं जहाँ भी जाता हूँ ये लेटर मेरे लिए एक तरीके से ईश्वर का वरदान है। तो दोनों तरफ से देखिए, उस लड़की को सिखा दिया इस तरीके की भावना, उसके अंदर भावना जागृत थी, उसने मुझे ऐसा लेटर लिखा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका एग्जांपल अगर मैं दूं तो शायद पूरा दिन हो जाएगा। सर, आप ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आपका ज्ञानम गंगा, आप दिव्यांग टीनेजर्स के लिए इतना कुछ करते हैं, तो आप जब इन्हें देखते हैं तो ऐसे कौन से चैलेंजेस होते हैं जो ये फेस करते हैं मोस्टली अपने टीनेज एज में? एक्चुअली डेफिनेटली आपके पास में एक इम्पॉर्टेंट फिजिकल ऑर्गन नहीं है तो आपको दुख तो होता है, और सोसाइटी आपको बार बार जताती है कि आपके पास में ये नहीं है, आप हमसे कम हो, और बहुत कई बार तो वो अंधा है, वो लूला है, वो लंगड़ा है, ये शब्द यूज़ करते हैं। मैं हमारे PM मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने दिव्यांग शब्द सारे फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए, मेंटली चैलेंज लोगों के लिए यूज़ किया है। बहुत अच्छा शब्द है दिव्यांग, में सारी बातें हैं कि बहुत पॉजिटिव वर्ड है। तो इनके सामने चैलेंज क्या होता है कि लोगों की सेंसिटिविटी इनके बारे में अच्छी नहीं है, इनको छोटा आँखते हैं और दया की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन मेरा अनुभव ये रहा इतने साल से, ऑलमोस्ट 40 साल से मैं काम कर रहा हूँ इस फील्ड में, ये किसी से कम नहीं है, बल्कि कई बार जो टोटली देख नहीं सकता वो लड़का मुझे अपने घर से ऐसी ऐसी जगह लेके गया, उसको मालूम है कहाँ स्पीड ब्रेकर आएगा, कहाँ से राइट हैंड लेना है, कहाँ से लेफ्ट मुड़ना है, ये सब मुझे गाइड करता है। और इनको ईश्वर दिव्यांग बना देता है तो एक शक्ति इनके अंदर आती है जो हमारे अंदर है, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं करते, क्योंकि हम उसको भूल जाते हैं। हमारे अंदर है लेकिन हमें और ये उस शक्ति को पूरा यूज़ करते हैं। तो मैंने देखा है कि ये अपने आप इतने शक्तिशाली हो जाते हैं और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। हेलन केलर है जैसे, हम पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो तो 18 ईयर्स की एज में डेफ डम एंड ब्लाइंड हो गई थी, वो ना देख सकती थी, सुन सकती थी, ना बोल सकती थी, लेकिन उसने पूरी दुनिया के अंदर अपना नाम बनाया। तो ये कर सकते हैं। और स्कूल के अंदर भी कई बार इनके साथ थोड़ा भेदभाव होता है, कई स्कूल एडमिशन नहीं देते, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि कानून जो एक गवर्नमेंट का एक एक्ट है ऐसे लोगों के लिए, वो बोलता है कि आपको इक्वलिटी होनी चाहिए, सब जगह इनको एडमिशन देना चाहिए। कई बार तो पेरेंट्स भी अपने बच्चों में डिफ्रेंशिएट करते हैं नॉर्मल बच्चों में और दिव्यांग बच्चों में, तो ये थोड़ा सा एक सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस चाहिए। अगर वो अवेयरनेस हम बढ़ाएंगे तो हम लोग काम करते हैं, हम लोग ये काम करते हैं कि पेरेंट्स को स्कूल्स के अंदर जाके बोलते हैं कि जो भी दिव्यांग सेंसिटाइजेशन है, उनको आप कम मत समझो। मैंने आपको कहा कि हम सड़क पे लोगों के आँख पे पट्टी बांध के बोलते चल के दिखाओ, फिर वो उनको समझ में आता है। तो वो जब देखते हैं कि ये लोग कर पा रहे हैं ऐसे अच्छे काम, और बहुत सारे ऐसे लाइव एग्जाम्पल हैं जहाँ इन्होंने अच्छी पढ़ाई की, बहुत कुछ कर पा रहे हैं,
तो अभी थोड़ा सा चैलेंज के सामने कम हुआ है क्योंकि अभी जागरूकता बढ़ी है. करेक्ट. और मुझे लगता है आपके इस प्रोग्राम को देखने के बाद वो लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और ये अपने आप को और अच्छा समझेंगे और सोसाइटी इनके ऊपर एक अच्छा भाव, एक पॉजिटिव माइंडसेट बना के इनको सपोर्ट करेगी. थैंक यू सो मच डॉक्टर शुक्ला, आपने इतना कुछ बोल दिया, मतलब मुझे तो सवाल पूछने का मौका ही नहीं मिला सर. मैं जितना पूछना चाह रही थी आपने उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी. सो थैंक यू सो मच एंड मोर पावर टू योर गुड वर्क. आज आपके साथ कृतिका भी आई हैं यहाँ पर, जो अपना स्टडीज़ कर रही हैं. आई थिंक शी इज़ डूइंग अ पोस्ट ग्रेजुएशन. तो सर हम उनसे भी बात करना चाहेंगे कि कैसे आपकी सहायता से वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं. मेरी सहायता से तो नहीं आगे बढ़ रही, बल्कि मेरे को ये कहना चाहिए कि कृतिका जैसे लोगों ने मुझे बताया कि मेरी जिंदगी का कुछ मीनिंग है. आइए बात करते हैं कृतिका पवार से. कृतिका, हाय एंड वेलकम टू आवर शो इन आवर टीन्स. थैंक यू. जब आपको पता चला कि आज शूट है तो आपके मन में क्या चल रहा था? मैं थोड़ा सा नर्वस थी, लाइक क्यों नर्वस थी? How it will happen. आपने कभी पहले कैमरा का ऐसा माहौल एक्सपीरियंस किया है? नहीं, लाइक बट आप ज्ञानम गंगा में आपके काफी स्किट्स होते हैं ना, जहाँ आप परफॉर्म करती हैं, एक्ट करती हैं. स्ट्रीट प्ले होते थे जब हम साइकिल टूरिंग करते थे तब भी. ये साइकिल टूरिंग के बारे में बताएंगी आप कितने साल की थी जब आपने पार्टिसिपेट किया था? तभी मैं 12 इयर्स की थी, मैं 7th स्टैंडर्ड में थी तभी. 12 इयर्स से आप दिल्ली से मुंबई साइकिल करके आए? कैसा था वो एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि साइकिलिंग मुझे पहले नहीं आती थी और ऐसे मतलब कभी सोचा नहीं था कि साइकिल चला सकते, क्योंकि विदाउट विजन साइकिल चलाना पॉसिबल नहीं है. बट टैंडम साइकिल के वजह से हम लोग को साइकिल चलाने का एक्सपीरियंस मिला, तो बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस. ये टैंडम साइकिल मतलब कैसे आपके लिए उपयोगी हो जाती है? उसमें टू सीट्स होते हैं, या फिर जो साइटेड होते हैं वो आगे बैठते हैं, और जो ब्लाइंड होते हैं वो पीछे पेडलिंग करते हैं, दोनों पेडलिंग करते हैं, तो हम लोग को ऐसे फील होता है कि हम लोग ही साइकिल चला रहे हैं. लेकिन काफ़ी टाइम तक चलाना पड़ता होगा ना, सो आप थकी नहीं? हम ऐसे चेंज करते रहते थे कि इतने किलोमीटर्स तक ये ग्रुप दो ये टीम चलाएगी, फिर ऐसे स्विच करते थे हम. कितने दिन लगे आपको दिल्ली से मुंबई आने के लिए? 15 days लगे. 15 days. और ये जो आप लोगों ने मिलकर साइकिल चलाई डॉक्टर राजेश शुक्ला जी के साथ, ये लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आ गया है. yes. फेमस हो गए आप लोग तो. कैसी फीलिंग थी? बहुत ही अच्छी फीलिंग थी. इवेंट जब हम लोग मतलब पता चला था तभी भी बहुत एक्साइटमेंट था, और कंप्लीट होने के बाद भी बहुत अच्छी फीलिंग थी हम लोग. सो नाइस. कृतिका, अब आप स्टडीज कर रही हैं, क्या पढ़ रही हैं आप? बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज. ओह, मैनेजमेंट स्टडीज. तो क्यों सोचा आपने आपको मैनेजमेंट स्टडीज में करना है? एक इंटरेस्टिंग फील्ड लगी, और मेरे को एक एचआर या फिर फाइनेंस में आगे करियर करना था, तो इसलिए मैनेजमेंट स्टडीज डिसाइड किया मैंने. अच्छा, तो कृतिका ये जो स्टडीज होती हैं, तो ये किस तरह की स्टडीज करती हैं आप? क्या टेक्निक होता है ये स्टडीज करने के लिए? मतलब ब्रेल होता है कि ऑडियो टेप्स होती हैं? वैसे बहुत सारे अभी ऑप्शंस अवेलेबल है, तो मैं ऑडियो, और समटाइम्स मैं को लो विजन में तो जूम करके पीडीएफ के थ्रू भी कभी कभी पढ़ती हूँ. अच्छा. फिर ऐप्स अवेलेबल होते हैं जो पीडीएफ डायरेक्टली रीड करते हैं, तो उसके थ्रू. अच्छा, और ब्रेल भी यूज होता है? लॉट्स ऑफ बुक्स आर देयर इन ब्रेल? यस देयर आर, बट बिकॉज ऑफ स्मार्टफोन्स अभी उसकी नीड नहीं होती, क्योंकि ऑडियोज आर मोर यूजफुल, बिकॉज ब्रेल में हमें खुद उसको कैरी करना, उससे अच्छा कि ऑडियो हम सुनते हैं, तो हम लोग का सुनने का पावर भी उतना स्ट्रॉन्ग है, तो हम ऑडियो ज़्यादा प्रेफर करते हैं. अच्छा, तो कृतिका आप एक टीनेजर हैं, तो एज अ टीनेजर आपको क्या लगता है व्हाट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग अ टीनेजर? बहुत सारी चीज़ें, मुझे तो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी मिली, और लाइक मेरा एक बेनिफिट हुआ कि मेरे पेरेंट्स ने नॉर्मल स्कूल में मेरे को एडमिशन कराया, कॉलेज. अच्छा. में भी तो मेरी लाइफ ऐसे नॉर्मल लोगों के साथ, तो मुझे ऐसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, और बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कर पाते तो उसके अलग और कुछ के लिए भी एक सॉल्यूशन होता है. तो जैसे कौन सी चीज़ें नहीं कर पाते? सो जो आपको करनी है
फॉर अभी ये साइकिलिंग का ही था, सो उसके उसके बारे में कोई सोच नहीं सकता कि हम ब्लाइंड होके साइकिल चला सकते हैं, बट उसके लिए भी सॉल्यूशन है. और वो सॉल्यूशन है कि यस, ऐसे और कौन सी चीज है जो जिसके लिए सॉल्यूशन आपको लगता है कि है तो आप इसे कर सकती हैं, एक्सपीरियंस कर सकती हैं? लाइक अभी रीडिंग बुक्स भी हो गया तो वो ऑडियो है या फिर ब्रेल अवेलेबल है. अभी वो अभी स्टिक के हेल्प से हम लोग कहीं पे भी अकेले ट्रैवल कर सकते हैं. करेक्ट. और अभी बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए और लोग भी उतना थोड़ा सपोर्टिव है. तो आपको लगता है लोगों की मानसिकता भी डेवलप हुई है अभी, अवेयरनेस है? या थोड़ी है, मतलब पहले से थोड़ी ठीक है, बट फिर भी अगर स्कूल्स में देखेंगे तो जितना सपोर्ट मिलना चाहिए उतना होता नहीं बहुत सारे स्कूल्स में. अच्छा. टीचर्स और या फिर स्टूडेंट्स से ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है क्योंकि वो करेक्ट ट्रीट नहीं करते जैसे करना चाहिए वैसा, इक्वल ट्रीट नहीं करते. तो कृतिका, ये और क्या चैलेंजेस आपको लगता है कि थोड़ा और सुधार होगा तो इट विल बी इजियर? यू थिंक इक्वल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं? है, बट उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए. फिर भी वो लोग को एक सिंपैथी टाइप का नेचर होता है, वो इक्वल ट्रीट करते नहीं है. वो लोग लाइक दे वांट कि बस हेल्प करना है, ऐसा उनके माइंड में नहीं होता है कि दे आर इक्वल. बस जबकि आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है. यस, है ना, यू कैन डू एवरीथिंग ऑन योर ओन. यस, पढ़ाई से लेके सब कुछ, एवरीथिंग. नाइस. तो कृतिका, मैं ये पूछना चाहूंगी कि अभी आप आगे क्या करना चाहती हैं? बीएमएस के बाद अगला स्टेप क्या होगा आपके लिए? एक्चुअली एग्जैक्टली मैंने डिसाइड नहीं किया, बट अभी बीएमएस के सेकेंड ईयर में हम लोग को ऑप्शंस होता है एचआर, फाइनेंस या फिर मार्केटिंग. तो मेरा डिसीजन एचआर या फिर फाइनेंस के फील्ड में जाना है. फिर आई थिंक अगर पॉसिबल हुआ तो एमबीए भी करने का सोच रही हूं. एमबीए. सो नाइस, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो. थैंक यू. ज्ञानम गंगा के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. मेरी मतलब कम्युनिकेशन उतने नहीं थे, पहले बोलती नहीं थी मैं ज़्यादा. तो और कितने फ्रेंड्स भी मिल गए आपको? बहुत सारे फ्रेंड्स मिल गए. मैं छोटी थी सबसे, तो मेरे मतलब बहुत अच्छे से अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छे से सब ट्रीट करते थे. yes. मैंने आपका एक प्ले देखा था जिसमें आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी. या हम लोग वो स्ट्रीट प्ले करते थे लोगों को अवेयर करने के लिए कि आई डोनेशन के लिए. तो उसके लिए फिर एक उसमें ऐसी स्टोरी थी कि एक लड़की होती है, सो उसके पेरेंट्स होते हैं और लाइक उसको सपोर्ट नहीं करते. फिर उस कोई एस्कॉर्ट आता है और वो गाइड करता है कि नहीं, उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी आपको देनी चाहिए. तो जो गर्ल होती है उसका नाम आशा होता है, जो मैंने प्ले किया था. एंड उसको आईएएस ऑफिसर बनना होता है, तो वो आगे चल के आईएएस ऑफिसर भी बनती है बिकॉज ऑफ सपोर्ट ऑफ हर फैमिली. तो मॉम एंड डैड कैसे सपोर्ट करते हैं आपको? मॉम एंड डैड ने पहले से बहुत सपोर्ट किया है. मम्मा तो मुझे मतलब मुझे याद है आपके साइकिल विन के लिए मम्मा ने आपके लिए तो साइकिल भी सीखी. हाँ, मेरे लिए साइकिल, क्योंकि मैं तभी छोटी थी तो 15 डेज के लिए मैं कभी पेरेंट्स से दूर नहीं रही. तो फिर मम्मी को टेंशन था कि कैसे होगा, तो मम्मी ने सर से बोला कि मैं भी आऊँगी, बट सिचुएशन ये थी कि साइकिल सीखना पड़ेगा. मम्मी को भी साइकिल नहीं आती थी, बट मेरे लिए सीखा था मम्मी ने 6th month में. हम लोग रोज़ जाते थे, प्रैक्टिस करते थे और उसे सीखा साइकिल. तो कृतिका, आप तो पढ़ाई कर रही हैं बिकॉज आप एक अहदे पे पहुंचना चाहती हैं, लेकिन वैसे आपका पैशन क्या है? आप क्या पसंद करती हैं अपने फ्री टाइम में, आप क्या करती हैं? मुझे सिंगिंग पसंद है. आई लव म्यूजिक और सुनना भी पसंद है सॉन्ग्स, तो वैसे माइंड फ्रेश होता है मेरा. आप हमारे जो टीनेजर्स हैं, बिकॉज काफ़ी टीनेजर्स ये शो देखते हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगी कृतिका? मैं बस इतना कहना चाहूँगी पर्सनल एक्सपीरियंस से कि अगर उनके कॉलेजेस में या स्कूल में कोई ऐसे विजुअली इम्पेयर्ड या फिर कोई भी प्रॉब्लम के साथ स्टूडेंट हो, तो उसको वो ग्रुप में इंक्लूड नहीं करते. वो एक ऐसे साइडेड फील होता है कि हम कुछ तो डिफरेंट है, तो वो उनको इंक्लूड करना चाहिए. उनके साथ भी रहोगे तो आपको वैसे कुछ डिफरेंट नहीं होता, हम लोग भी सिमिलर होते हैं. बस वो उनका से उनको ऐसा लगता है कि उसको दिखता नहीं है, सो उसके साथ कैसे. और वैसे वो हेल्प करते हैं नो डाउट, बट उतना ग्रुप में इंक्लूड नहीं करते जैसे बाकी फ्रेंड्स रहते. तो हम लोग को भी ऐसे इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि अगर वो बात करेंगे तो उनको भी बहुत सारी न्यू चीज़ें सुनने को और सीखने को मिलेंगी. यस,
कृतिका, आपको पता है कुछ एपिसोड पहले हमारे गेस्ट चेयर में गीता कैस्टोलिनो मैम थी, जो फैशन इंडस्ट्री में करिकुलम डिज़ाइन करती हैं। तो अब फैशन सस्टेनेबल फैशन के साथ साथ इंक्लूसिव फैशन की तरफ भी बढ़ रहा है, जैसे जेंडर इंक्लूसिविटी है, स्पेशली एबल के लिए फैशन वो डेवलप करना चाह रहे हैं। वैसे फैशन अब विजुअली इम्पेयर्ड के लिए इस तरह से डेवलप हो रही है कि हर अपैरल के यहाँ पर ब्रेल से लिखा होगा कि ये कौन से कलर का है, कौन सा पैटर्न है, ताकि यू नो आप अपने कपड़े खुद चूज करें। क्या लगता है आपको इस थॉट के बारे में? बहुत ही मतलब बहुत हेल्पफुल होगा विजुअल इम्पैक्ट्स के लिए, क्योंकि हमें शॉपिंग के लिए किसी को तो साथ, मतलब हम अकेले ट्रैवल कर सकते हैं, इवन शॉप पे भी जा सकते हैं, बट कलर, फिर उसका डिज़ाइन, फिर हम लोग को फिट आएगा नहीं आएगा वो सब देखने के लिए किसी को तो सपोर्ट के लिए लेके जाना पड़ता है, हेल्प करने के लिए, तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, फिर हम खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि हमें क्या लेना है। चलिए, हम आपकी ये बात ज़रूर उन तक पहुंचाएंगे, एंड जो काम हो रहा है वो शायद और स्पीड से हो, ताकि बहुत जल्द आप इंडिपेंडेंटली अपने शॉपिंग के लिए भी जाएंगी, है ना? यस। कृतिका, आप स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखती हैं? या मैं पहले स्पोर्ट्स खेलती थी, फुटबॉल खेलती थी मैं। अच्छा। हाँ, तो हम बैंगलोर नेशनल लेवल का था वो, तो बैंगलोर में हम लोग को रनर अप टीम थी हमारी। अरे वाह, ब्लाइंड गर्ल्स फुटबॉल, वेरी नाइस। और कोई स्पोर्ट्स में? डू यू प्ले चेस? मुझे कहाँ आपके पापा ने कि आप चेस भी खेलती हैं। चेस आता है मुझे, मतलब उसमें ऐसे कंपटीशन में नहीं खेला, बट चेस खेलती हूँ मैं, आई लाइक चेस। सो नाइस कृतिका, आपके बारे में इतना जानकर आई एम फीलिंग सो इंस्पायर्ड, सो हैप्पी फॉर यू। आप PMS करें और उसके बाद आप जरूर अपना MBA का सपना पूरा करें। थैंक यू, है ना? Yes. मेरी तरफ से और इनाटींस की पूरी टीम की तरफ से ये छोटा सा मेमेंटो आपके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू हमारे शो पर आने के लिए, और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपके फ्यूचर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।